चीन के स्पेस मिशन ने रविवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 मई को लॉन्च किए गए चांग-E6 मून लैंडर ने लगभग 1 महीने बाद रविवार सुबह चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की। ये लैंडिंग चीन के मून मिशन के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इसके जरिए चीन चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने वाला पहला देश बनना चाहता है। चीन के स्पेस एजेंसी के मुताबिक चांग-E6 लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में उतरा। यहां से चंद्रमा की सतह के नमूने इकट्ठा करना शुरू करेगा। यह चीन का अब तक का सबसे मुश्किल मून मिशन है। हालांकि चीन के लैंडर ने पहले भी चांद से सुदूर हिस्से में लैंडिंग की थी, लेकिन पहली बार चीन ने 2019 में अपने चांग-E4 मिशन के जरिए ऐसा किया है।